आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं रामा स्टील में। किसी भी स्टॉक का सिर्फ चार्ट देख के स्टॉक में एंट्री बनाना कहीं ना कहीं समझदारी का काम नहीं है, तो उसके चार्ट के साथ साथ उसके फंडामेंटल्स भी देखना जरूरी है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलो हम लोग चलते हैं रामा स्टील के चार्ट पे। रामा स्टील हमने किस तरह से दिख रहा है, रामा स्टील का हम लोग पहले ओवरऑल ओवरव्यू ले लेते हैं कि रामा स्टील के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने लो बनाया है 9.90 रुपये का, और इसका हाई जो बनाया है इसने 17.55 रुपये का हाई बनाया और अभी ये 13 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो मीन यार लो हाई के बीच में 13 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। सेक्टर का पीई 19.67 के आसपास है, पीवी रेशियो 6.13 के आसपास है, आरओई 8.69 के आसपास है और पीई जो है वो 7.26 के आसपास है। ये तो मोटा मोटा हो गया इसमें ओवरव्यू इस स्टॉक का। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इसका फाइनेंशियल कैसा है, मीन रामा स्टील किस तरह से कर रहा है, ये इसका ईयरली रेवेन्यू चार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मार्च 2002 में 22 में जो प्रॉफिट किया है 27.32% के आसपास, सॉरी करोड़ में है ये अमाउंट 26.67 करोड़ के आसपास, मतलब कि लगभग बराबर है। और यहाँ पे 29 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया है इन्होंने मार्च 2024 में, मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट जो है ना इनका इंक्रीज़ हो रहा है, रेवेन्यू कम हुआ है, डेप्ट भी यहाँ पे कम हुआ है, जबकि यहाँ पे 193 के आसपास डेप्ट था और यहाँ पे 138 के आसपास का डेप्ट था, तो ये 144 के आसपास रह गया है। अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, देखिए क्वार्टर में इनकी परफॉर्मेंस क्या है 6.36, मतलब कि ये जो इनका प्रॉफिट था 7.13 से तो थोड़ा सा घटा है, 6.63 के आसपास घटा हुआ है। इनके प्रीवियस क्वार्टर जून 2023 का है ये 7.07। यहाँ पे कंपनी के अंदर कोई डेप्ट नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है कंपनी के अंदर कोई डेप्ट नहीं है, यहाँ पे डेप्ट फ्री कंपनी है। शेयर का प्राइस 13 रुपये है और कंपनी डेप्ट फ्री है, ये अच्छी बात हो सकती है इस शेयर के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात करें तो किसने इन शेयर्स को होल्ड किया है, देखिए FIs के पास ये शेयर है 2.19 के आसपास, प्रमोटर्स के पास अच्छी होल्डिंग्स है 47.96, रिटेलर्स के पास 37% की होल्डिंग्स है, बाकी FIs ने थोड़ी सी अपने होल्डिंग को चेंज भी किया है, पहले 5% के आसपास की होल्डिंग्स थी, अब उन्होंने होल्डिंग्स 2.19 के आसपास की कर दी, तो कहीं ना कहीं होल्डिंग्स जो है डिक्रीज हुई है इस स्टॉक के अंदर। अब इस स्टॉक की अगर हम लोग चार्ट की बात करें कि चार्ट किस तरह से दिख रहा है, तो ये ओवरऑल चार्ट है रामा स्टील का चार्ट, यहाँ पे हम लोग मंथली चार्ट लगा के देखते हैं। देखिए रामा स्टील एक जोन में ट्रेड कर रहा है, तो जोन हम लोग अगर इसका मार्क कर लें कि क्या जोन है इस स्टॉक का, किस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो एक यहाँ पे इसके हाई के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और एक इसके अंदर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से एक ड्रॉ करेंगे जो इसका लो बना हुआ है। ये रेंज है इस स्टॉक की, मतलब कि ये हाई है, इस रेंज के बीच में ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे मीन ये कंसोलिडेट कर रहा है, जब भी यहाँ पे ब्रेक करेगा स्टॉक कोई भी कैंडल क्लोज होती नजर आएगी 15 रुपये के आसपास के ऊपर, तो स्टॉक जो है अभी 13 रुपये ट्रेड कर रहा है, 15 रुपये के आसपास कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए इस स्टॉक में तो फिर एक मोमेंटम आ सकता है, और 17 रुपये के आसपास 17.5 रुपये के आसपास जो आएगा मोमेंटम वो फास्ट मोमेंटम आएगा, मीन एक नया हाई क्रिएट करेगा ये स्टॉक। अगर हम लोग यहाँ पर वीकली चार्ट की बात करें तो सेम हमें वीकली चार्ट पे क्या दिख रहा है, एक रेंज दिख रही है, लोग यहाँ पे सपोर्ट जोन पे खरीद रहे हैं, सपोर्ट इसका 8 रुपये के आसपास है, जब भी स्टॉक यहाँ पे आ रहा है लोग यहाँ से खरीदारी स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे 10 रुपये के आसपास का है, स्टॉक यहाँ पे आ रहा है लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। देखिए वीकली चार्ट में कितनी बड़ी कैंडल बनी है इस स्टॉक के अंदर, जिसका लो बना है 10 रुपये के आसपास और हाई बना है 16 रुपये के आसपास, एक वीक में ये स्टॉक 10 रुपये से 16 रुपये, मतलब 60% के आसपास का मूव है एक हफ्ते के अंदर का मूव, तो लोग यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं, अब लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये स्टॉक हमें फिर से 10 रुपये के आसपास मिल जाए, अगर 10 रुपये के आसपास उनको ये स्टॉक नहीं मिलता है तो फिर इस स्टॉक को निकलने दीजिए, थोड़ी सी कैंडल क्लोज होने दीजिए, जो नए प्राइस है 17 रुपये के आसपास, 17 रुपये के आसपास अगर ये कैंडल क्लोज करता है तो निश्चित तौर पर ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न देगी। डेली चार्ट भी इसका देख ही लेते हैं हम लोग, डेली चार्ट में कॉन्टिन्यूसली देखिए यहाँ पर एक अच्छा लेवल मिला था इस स्टॉक को बाय करने का, एक हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींचे, ट्रेंड का ब्रेक, और ये वही वीकली कैंडल है जो हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पे 10 रुपये का लो लगाया, यहाँ पे हाई 16 रुपये के आसपास का पहुँचा, फिर कॉन्टीन्यूसली ये डाउन ट्रेंड में आ गया और अभी भी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, 13 रुपये के आसपास ये
स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है आज की डेट में। आज का इंट्राडे चार्ट देख लें तो इंट्राडे चार्ट में गिरावट दिखाई दे रही कॉन्टिन्यूसली, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में स्टॉक ये चल रहा है। अगर आपको हमारा ओटीसी सेटअप जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि हम किस तरह की ओटीसी सेटअप, जो हमारा प्रूवन सेटअप है, उस पर आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि हम कौन सा सेटअप यूज़ करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आप भी वो सेटअप यूज़ कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि वो सेटअप आपको कैसा लगा, आप उसमें कितने प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। अगर ये वीडियो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक कमेंट शेयर, वो तो आपका बनता ही। बहुत बहुत धन्यवाद।